प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। जी हां, जानकारी सामने आई है कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 29.54% है। हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 36,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद भी है। कैबिनेट के स्टेक सेल के फैसले से हिंदुस्तान जिंक का शेयर 7.28% चढ़ गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जापान से लौटते ही कैबिनेट की बैठक ली। रिपोर्ट्स की माने तो आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। सरकार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने वाली है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 64.29% हिस्सेदारी है।